नौ ऐसे कॉमन फूड आइटम जिनमें जहर होता है और जिनकी खाने के वजह से हमारी जान भी जा सकती है। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे चीजों के बारे में जो हम कॉमनली खाते हैं, जिनका इस्तेमाल हमारे खाने में होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इनमें पॉइजन भी हो सकता है और ये चीजें किसी न किसी तरह आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है एप्पल सीड्स। एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बट अगर आप एप्पल के सीड्स खाएंगे तो आपको ये डॉक्टर के पास पहुंचा देगा, क्योंकि एप्पल के सीड में होता है एक ऐसा पदार्थ जिसके खाने से जो हमारे जब गट में जाता है, हमारे पेट में जाता है, तो वो साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए एप्पल के सीड्स खाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि एप्पल के सीड्स से हमारे पेट में जो साइनाइड तैयार होता है वो बहुत ही कम मात्रा में तैयार होता है। तो एप्पल के सीड्स से आपको पॉइजनिंग होने के लिए, आपके लिए जानलेवा होने के लिए आपको बहुत सारे एप्पल के सीड्स खाने होंगे। तो इसलिए अगर एप्पल का एक हाथ दूसरा सीड आप खा लेते हैं गलती से तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पोटैटो, मतलब कि आलू। आलू हमारे हर एक के किचन में पाया जाता है। बहुत सारे लोगों का आलू फेवरेट वेजिटेबल है और आलू खाना सबको पसंद है। लेकिन अगर ये आलू अगर ग्रीन कलर का हो जाए या फिर उसमें से स्प्राउट्स निकले तो आपको ये आलू खाने से बचना चाहिए। हरे रंग के आलू में एक सोलेनियम नाम का पदार्थ होता है जो कि नर्व टॉक्सिन है। वही पदार्थ सोलेनियम स्प्राउटेड आलू में भी तैयार हो जाता है, इसलिए आपको स्प्राउटेड आलू और ग्रीन आलू से बचना चाहिए। अगर आप ग्रीन आलू खा लेते हैं तो आपको डायरिया, वॉमिटिंग, पैरालिसिस हो सकता है, और अगर ज्यादा मात्रा में ये आलू खाया गया है तो इवेंचुअली आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ग्रीन आलू, हरे आलू और स्प्राउटेड आलू इनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इनको आप फेंक दीजिए। उसके बाद ऐसा एक फूड जो आपकी जान ले सकता है वो है कौड़वी लौकी। लौकी जिसे हम बॉटल गार्ड भी कहते हैं, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट के लिए अच्छी होती है, और इसीलिए बहुत सारे लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में लौकी का जूस भी पीते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लौकी कड़वी रहती है, उसका टेस्ट कड़वा लगता है। ऐसी कड़वी लौकी में एक प्रकार का टॉक्सिक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से आपको पॉइजनिंग हो सकती है। अगर कोई इसे कड़वी लौकी को खाता है तो उसे डायरिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द, उल्टी आना और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। कुछ सालों पहले महाराष्ट्र में एक केस हुआ था जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सुबह लौकी का जूस पीते थे और उसमें वो करेले का जूस भी मिक्स करके पीते थे। तो इसलिए उनको पता नहीं चला कि वो लड़की कड़वी थी। कड़वी लौकी का जूस उन दोनों ने भी पिया और कुछ घंटों में ही उन दोनों की भी हालत खराब हुई और दोनों की भी डेथ हो गई। कड़वी लौकी खाना आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस पर एक पेपर जाहिर करके ये बताया है कि कड़वी लौकी खाने से हमें बचना चाहिए। तो खाना बनाते वक्त, स्मूदीज बनाते वक्त, जूस बनाते वक्त अगर आप लौकी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि पहले एक छोटा सा टुकड़ा आप टेस्ट करके देखिए, और अगर वो कड़वा नहीं है तभी आप उस लौकी को यूज करिए। उसके बाद आता है राजमा, यानी कि रेड बीन्स। जी हाँ, अगर आप अंडर कुक राजमा खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉइजनस, जहरीला हो सकता है। राजमा का जो नेचुरल प्रोटीन होता है जिसे लेक्टिन कहते हैं या फिर जिसे PHA भी कहते हैं, वो हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है। राजमा की वो अगर आप अनकुक या अंडर कुक खाते हैं, मतलब कि अगर आपका राजमा अच्छे से पका हुआ नहीं है तो उसकी वजह से आपको पेट में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग, डायरिया और चक्कर आने जैसे सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर है राजमे को सही से कुक करने का? तो जिस पानी में आप राजमे को भिगाते हैं वही पानी आपको कुकिंग के लिए नहीं यूज करना है। सेकेंड थिंग ये है कि आपको राजमा को 100 डिग्री के ऊपर अच्छे से बॉईल करके 20 मिनट तक फिर वो कुक करना है। कम टेम्परेचर पर या स्लो कुकर में अगर आप राजमे को पकाएंगे तो उसमें का पॉइजन डिस्ट्रॉय नहीं होगा और फिर वो आपको अफेक्ट कर सकता है। इसलिए राजमा खाइए, वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन हमेशा उसको अच्छे से कुक करके खाइए।
उसके बाद लीची। लीची एक बहुत ही टेस्टी फ्रूट है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स है और भरपूर मात्रा में विटामिन सी है। लेकिन अगर आप कच्ची रॉ ग्रीन लीची खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। हमारे देश के नॉर्दर्न एरियाज में हमेशा लीची के सीजन में बच्चे बीमार पड़ जाते थे। बहुत सारे बच्चे रात को चिल्ला कर उठते थे, उसके बाद उनको चक्कर आना, कोमा में चले जाना और उसमें से 40% किड्स की डेथ भी हो जाती थी। बहुत सालों बाद रिसर्चर्स ने इस पर काम किया और उन्होंने ये पाया कि ये बच्चे हमेशा जब बाहर खेलने जाते थे तो बहुत सारे बच्चे पेड़ों से तोड़कर कच्ची लीची खा जाते थे और जिसकी वजह से उन सब बच्चों को ये पॉइजनिंग हो रही थी। और जब से ये पता चला तब से लीची की वजह से बच्चों में होने वाली पॉइजनिंग बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। जायफल हमारे देश में सालों से इस्तेमाल किया जाता है, स्वीट्स में इसे डाला जाता है, मसाले में इसका यूज होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप जायफल का पाउडर एक चम्मच से ज्यादा खा लेते हैं तो वो आपके लिए पॉइजनस हो सकता है, उससे आपकी जान भी जा सकती है। नटमेग में मिस्ट्रीसिन नाम का एक पॉइजनस पदार्थ होता है जो कि साइको एक्टिव होता है। और अगर आप नटमेग पाउडर ज्यादा खा लेते हैं, कुछ लोग स्मूदी में नटमेग पाउडर डालते हैं, तो अगर आप एक चम्मच या उससे ज्यादा नटमेग पाउडर खा लेते हैं तो उससे आपको चक्कर आ सकते हैं, उल्टियां हो सकती है, झटके आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं और उसके साथ ही आपको हेलुसिनेशन भी होगा। मिस्ट्रीसिन एक बहुत ही पॉइजनस कंपाउंड है जिसकी वजह से आपका ऑर्गन फेल्योर हो सकते हैं और उसी की वजह से फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जब भी आप नटमेग यूज करें, जायफल को इस्तेमाल करें, तो हमेशा उसको कम क्वांटिटी में अच्छे से यूज करिए। उसके बाद आता है बीटर आमंड्स, कड़वे बादाम। बादाम खाने से आपकी याददाश्त तेज होती है, लेकिन कड़वे बादाम खाने से आपकी जान भी जा सकती है। कड़वे बादाम में हाइड्रोजन साइनाइड नाम का पॉइजनस कंपाउंड होता है और साइनाइड बहुत ही ज्यादा पोटेंट पॉइजन होता है। इसलिए अगर आप सिर्फ 5 से 10 भी कड़वे बादाम खा लेते हैं तो उससे आपको सीरियस पॉइजनिंग हो सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए हमेशा बादाम खाते वक्त ध्यान रखें कि आप हमेशा मीठे बादाम खाएं। अगर कड़वा बादाम आपके खाने में आ गया तो उसे निकाल के फेंक दीजिए। उसके बाद कच्चे रॉ काजू। हम जो काजू खाते हैं वो हमेशा रोस्टेड रहते हैं, भुने हुए रहते हैं। लेकिन कभी अगर आप काजू के खेत में जाते हैं तो कच्चे काजू खाने का ट्राई कभी मत करिए। कच्चे काजू में होता है अर्सियोल नाम का एक पदार्थ होता है जो बहुत ही एलर्जिक होता है, जिसकी वजह से आपको स्किन रिएक्शन आ जाती है, आपके स्किन में इचिनेस होता है और आपके स्किन में रेड धब्बे आना, इचिनेस होना, ऐसी आपको रिएक्शन आ सकती है। लेकिन उसी के साथ ही बहुत सारे लोगों में उसकी सिस्टमिक एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है और जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए कच्चे काजू से भी आप बचें। और लास्ट में आता है एरंडी के बीज या फिर कैस्टर ऑयल सीड्स। एरंडी का ऑयल, कैस्टर ऑयल हमें बहुत यूजफुल ऑयल है। कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन के लोगों को अगर आप कैस्टर ऑयल पिलाए तो उनको फायदा होता है। बालों के लिए कैस्टर ऑयल का यूज करते हैं बहुत सारे लोग। एरंडी के बीज में बहुत ही डेडली एक पॉइजन होता है जो है राइसिन। थोड़ा सा भी राइसिन आपके लिए बहुत ज्यादा जानलेवा हो सकता है। लेकिन एरंडी के बीज से जब ऑयल तैयार होता है तब हीट भी उस प्रोसेस में यूज की जाती है। ऑयल एक्सट्रैक्शन में हीट का भी यूज होता है और जिस हीट की वजह से वो राइसिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए एरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल आपके लिए बिल्कुल सेफ है। आप उसको खा भी सकते हैं और बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपको कोई भी पॉइजनिंग नहीं होगी, सिर्फ आपको एरंडी के बीज खाने से बचना है। तो ये है 9 ऐसे पदार्थ जो आपको हमेशा आपके आसपास तो मिल जाएंगे, लेकिन जो खाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।